आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। जमानत की आस में आशाराम ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। अदालत ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब। जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक खजाने क्या क्या हैं? एएसआई ने की भीतर रत्न भंडार खोलने की अपील। एकनाथ शिंदे को लग सकता है बड़ा झटका। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायक ने उद्धव को बताया मुखिया। चेन्नई एयरपोर्ट से 100 करोड़ की हेरोइन और कोकीन जब्त। कस्टम के हत्थे चढ़ा तस्कर। विदेश मंत्री ने माना चीन के साथ संबंध ठीक नहीं। जयशंकर बोले लद्दाख में झड़प के बाद से डटी है चीनी सेना संबंधों पर असर। फरीदाबाद में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या। जीजा के घर से शौच के लिए निकली थी, रेलवे लाइन के पास नग्न अवस्था में मिला शव। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में तकरार। कांग्रेस बोली शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं, हम हालात के चलते साथ आए। दिल्ली में भरे बाजार, युवक की हत्या। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को 5 बदमाशों ने घेरा। पत्थरों से हमला करने के बाद दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। एमपी के उज्जैन महाकाल मंदिर में हंगामा करने वाले पर बीजेपी का कड़ा एक्शन। 2 जिलाध्यक्षों समेत 18 को पद से हटाया। आरएसएस ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में लगाया तिरंगा। ट्विटर फेसबुक से भगवा ध्वज को हटाया। मोहन भागवत ने भी अपनी डीपी बदली। एमपी में 304 करोड़ का डैम फूटने का खतरा। धार में रिस रहे बांध को बचाने सेना ने संभाला मोर्चा। रात 2 बजे पहुंचे जवान। चिदंबरम को गिरफ्तार करने वाले अफसर को मारने की कोशिश। सीबीआई ऑफिसर की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। अपने घर से गोरखपुर जा रहे थे। बिहार में जहरीली शराब से फिर 7 मौतें। पुलिस ने कहा मौत बीमारी से हुई। नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा। सात राज्यों में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कई गांवों का संपर्क टूटा। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 1 महिला की मौत। बीएचयू में रिजर्वेशन के लिए करेंगे आमरण अनशन। छात्र बोले प्रशासन के साथ ही सेंट्रल ऑफिस में फहराएंगे झंडा। सेना में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। फौजी बताकर जीता भरोसा। 4.31 लाख रुपए कराए अपने अकाउंट में ट्रांसफर। गाजियाबाद एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को लगी गोली। पिछली बार कांस्टेबल को लगी गोली मारकर भाग गया था अमित। अजबार हत्थे चढ़ा। मंत्री डॉक्टर बालियान और कपिल देव के साथ दौड़ा मुजफ्फरनगर में जज्बा 8। दौड़ में झलकी राष्ट्रीय एकता।
उन्नाव में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, शव ठिकाने लगाने को रिक्शे पर लाद कर जा रहा था, गिरफ्तार हुआ। सुल्तानपुर पुलिस का चला चाबुक, 17 अपराधियों की 10.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, 280 के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई। यमुना में डूबे 6 और शव मिले, बांदा से फतेहपुर बॉर्डर तक बह गए थे शव, एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। औरैया में साइकिल रैली का आयोजन, अफसर और शहर के लोग हुए शामिल, डीएम बोले अमृत महोत्सव को सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी। मैनपुरी में किशोरी के साथ रेप, किसी काम से खेत में गई थी, घात लगाकर बैठे आरोपी ने झाड़ियों में खींच कर की दरिंदगी। बिजनौर में सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 बाइकों की आपस में हुई टक्कर, मां और बेटी घायल। मथुरा में गजग्रह की हुई लड़ाई, वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में हुई लीला का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उन्नाव में गंगा का जल स्तर 111 मीटर पार, नाले के सहारे बस्ती में पहुंचने लगा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। गोरखपुर एसएसपी ने 8 थानेदार बदले, लापरवाह 4 इंस्पेक्टर से छीनी थानेदारी, 2 चौकी इंचार्ज को मिली थानों की जिम्मेदारी। बदायूं में 107 लीटर जहरीली शराब बरामद, 2 तस्कर अरेस्ट, 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया, आरोपियों में महिला भी शामिल। बुलंदशहर में अमृत महोत्सव पर डॉक्टरों ने निकाली बाइक रैली, देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में भरा जोश। आगरा के भुजरिया मेले में जमकर लगे ठुमके, बार बालाओं के फूहर डांस का वीडियो वायरल, लोगों ने डांस पर लुटाए रुपए। औरैया में नदी में गिरने से युवक की डूबकर मौत, जल मंजिनी में फंसा मिला शव, पैर फिसलने से नदी में गिरा। गोंडा प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा, अधिकारियों ने हर घर तिरंगा लगाने का किया आह्वान, पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद। बरेली के शाही में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता के भाई के पहुंचने पर भागा आरोपी, एसएसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। कौशाम्बी में सोने की चेन न मिलने पर विवाहिता को दिया जहर, माई के पक्ष ने लगाया आरोप, 1 महीने पहले ही हुई थी शादी। फरुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 1 आरोपी को पकड़ा, अन्य की तलाश जारी। देश की सीमा पर दीवार बनाए जाने की मांग, सोनभद्र में पाकिस्तान का विरोध, आतंकवाद का किया पुतला दहन। आतंकी नदीम रात भर फोन पर करता तबाद, नूपुर शर्मा को मारने के लिए बना रहा था प्लान, पिता बोले रिश्ता तोड़ दूंगा। बावन सेकंड के लिए थम गया लखनऊ झंडारोहण, रिहर्सल पर सभी चौराहों पर सुबह 9 बजे बजाया गया सायरन। एटा एसएसपी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पुलिस के जवानों ने तिरंगा लेकर किया पैदल मार्च, तिरंगा फहराने के लिए किया प्रेरित।
मेरठ मर्डर मिस्ट्री के तीन केस, किसी का सिर अलग कर दूसरी जगह फेंका तो किसी के किए 15 टुकड़े। मिर्जापुर में पुलिस ने निकाला रूट मार्च, एसपी ने बच्चों को दिया गुब्बारा और तिरंगा झंडा, देशभक्ति की धुन में रंगे जवान। फतेहपुर में 3 फीट के प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर, बोले मेरा कद मेरी ताकत बन गया, लोग मेरे साथ आए, जल्द इंटर कॉलेज होगा। लखनऊ में क्षेत्रीय वन अधिकारी की गला रेत कर हत्या, नींद पानी बेचने वाले पति ने गला रेत कर घटना को दिया अंजाम। बदायूं में दरोगा ने युवक को मारा थप्पड़, सिविल लाइन थाने में तैनात है दरोगा जब्बार अली, एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। उत्तराखंड की बॉबी को कल तक पेश होने का फिर नोटिस, सड़क पर बैठकर जाम छलकाने पर हुआ मुकदमा। उत्तराखंड के आईपीएस विशाखा को मिलेगा गृहमंत्री पदक, बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की घटना का किया था खुलासा। उत्तराखंड में भारी वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में दुश्वारियां, अगस्त को तेज बौछारों के भी आसार। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पैक, होटलों में 60% बुकिंग, लगातार बढ़ रही पर्यटकों की आमद। उत्तराखंड में बड़ी साजिश नाकाम, कारतूस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दून के गन हाउस का मालिक, नेगी की क्राइम कुंडली खोलेगी राज। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में एक और अपर निजी सचिव पकड़ा, एसटीएफ अब तक 16 को कर चुकी गिरफ्तार। उत्तराखंड में तिरंगे को लेकर सियासत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले आरएसएस से तुलना करना कांग्रेस की ना समझी, हर सवाल के जवाब दिए थे। उत्तराखंड में बंटवारे के दौरान जान बचाने को 12 रिश्तेदारों के साथ सहित नदी में कूदे थे ताराचंद्र, लेकिन बची केवल 2 की जान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, उत्तराखंड में चंपावत की तर्ज पर बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान। उत्तराखंड में करण माहरा को सितंबर में मिलेगी नई टीम, पहले हफ्ते में आकार ले सकता है नया ढांचा। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान को किया स्पष्ट, कहा किसी को तिरंगा लगाने में क्या परेशानी हो सकती है। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 177 नए मामले, 2 गुना से अधिक स्वस्थ। चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में बनेगा मानस खंड कॉरिडोर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया प्लान। उत्तराखंड के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने निकाला तिरंगा यात्रा, कुलपति समेत शिक्षक कर्मचारी छात्र हुए शामिल। उत्तराखंड में सफर से कुछ देर पहले कैंसिल किए टिकट, अकेले बच्ची को दी यात्रा की अनुमति, अब एयरलाइंस को भरने पड़ेंगे लाखों। चीन की कार्रवाई शांति और स्थिरता के खिलाफ, अमेरिका झुकेगा नहीं, ताइवान की मदद जारी रहेगी।
सुनक का खुलासा, कहा इस्तीफा देने के बाद से बोरिस जॉनसन ने किसी कॉल मैसेज का नहीं दिया जवाब। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से 600 समुद्री मील दूर है चीनी पोत, प्रवेश की मंजूरी का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से नवंबर में मिल सकते हैं शी जिनपिंग, पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद होगी ये पहली मुलाकात। बलूचिस्तान में जुलाई में 48 लोगों की हत्या, 11 लोगों को गैर कानूनी तरीके से दी गई मौत की सजा। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला, न्यूयॉर्क में चाकू से दो बार वार किए, वेंटिलेटर पर रुश्दी उपन्यास को लेकर विवाद में रहे। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में अंधाधुंध फायरिंग, दो बच्चों समेत 10 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। कोरोना से मुक्त हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हालत गंभीर, सुनते ही रोने लगे थे लोग। सेना इसलिए होती है ताकि युद्ध ना हो, ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा, कहा शांति पर निर्भर भाग्य। पृथ्वी से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा आर्कटिक, 20 फुट तक बढ़ सकता है समुद्र का जल स्तर, भारत की बढ़ेगी मुश्किलें। जॉनसन एंड जॉनसन नहीं बेचेगी बेबी टैल्कम पाउडर, अगले साल से दुनिया भर में बिक्री होगी बंद, अमेरिका कनाडा में 2020 से ही बंद। महंगाई के मोर्चे पर राहत, खाने का तेल और सब्जियां सस्ती हुई, जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 6.71% पर आई। सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों का राष्ट्र सम्मेलन, शाह बोले हम पंचायत में पैक्स समितियों की जरूरत। बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 4,000 करोड़ रुपए, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीमेंट कारोबार में बढ़ेगा अडानी समूह का वर्चस्व, एसीसी अंबुजा के अधिग्रहण पर सीसीआई की मुहर। चावल और दाल की बुआई का क्षेत्रफल घटा, कम बारिश का असर, बढ़ सकती है कीमतें। महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो क्लासिक एसयूवी पेश, इसके बंपर और बोनट पहले से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक। साल 2021 में 7% से ज्यादा भारतीयों के पास थी क्रिप्टो करेंसी, यूएन ट्रेंड संस्था की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अरबपति एलन मस्क ने जारी किया अपना सेक्स टेप, फनी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। बिनेंस लैब की एंकर में निवेश की घोषणा, 60% उछली टोकन की कीमत। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट से की मुलाकात, बर्मिंघम में भारत ने जीते 61 मेडल, सबसे ज्यादा भारतीय पहलवानों ने जीते पदक। ड्वेन ब्रावो ने 600 बार T20 विकेट लेने के बाद अनोखे अंदाज में मनाया जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
400 रन नहीं, चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए 600 रन मेरा लक्ष्य, आईपीएल स्टार की टीम में वापसी पर। रोंगटे खड़े कर देगा इटली के खिलाड़ी द्वारा लिया गया ये कैच, देखकर आईसीसी का भी माथा ठनका। अगस्त के महीने में एमएस धोनी ने सोशल मीडिया पर फिर किया बड़ा धमाका, 2 साल पहले इसी तरह अचानक लिया था संन्यास। रॉयल लंदन वनडे कप में पुजारा की शतकीय पारी, पांड्या की टीम के खिलाफ एक ओवर में बनाए 22 रन, 107 रन की पारी खेली। भारत के अनजान बल्लेबाज ने मचाई खलबली, टी20 में 47 गेंद पर कूटे 112 रन, ऐसी बैटिंग जिसने देखा उसने सिर पकड़ लिया। दर्शकों की धुन पर सिकंदर ने दिखाई डांसिंग स्किल, ऐसा गजब का असर छोड़ा सीरीज में कि दुनिया हिल गई। धवन को कप्तानी से हटाए जाने से उनको फर्क नहीं, पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह बोले, शिखर केवल अपने खेल पर ध्यान देते हैं, चयनकर्ताओं का फैसला सही। वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया टीम इंडिया का कार्यवाहक मुख्य कोच, जय शाह ने की पुष्टि। इंडो नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 का टीजर आउट, भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी नेपाल की पहली फिल्म। राहुल देव से शादी पर मुग्धा गोडसे बोली, ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है, हम लिव इन में बहुत खुश हैं। महारानी सीरीज में अपने रोल पर अमित सियाल बोले, इस बार पहले सीजन से ज्यादा राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। शेरशाह के रिलीज के पूरे हुए 1 साल, सिद्धार्थ कियारा ने खुलकर किया प्यार का इजहार, एक्ट्रेस बोली, तू बातें तो बड़ी बड़ी करता था। जालंधर में नहीं चलने दी लाल सिंह चड्ढा फिल्म, हिंदू संगठनों का एमबीडी मॉल के बाहर प्रदर्शन, आमिर खान पर एफआईआर की मांग। मिर्जापुर 3 की गोलू का 3-point ओवर्जन सीरीज के तीसरे पार्ट के लिए जमकर मेहनत कर रही श्वेता त्रिपाठी, जिम में जमकर बहा रही पसीना। वायरल एमएमएस पर अंजलि अरोड़ा बोली, मेरी भी फैमिली है, व्यूज के लिए लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मिल गई नई दया बयान, दिशा वकानी की जगह काजल पिसल ने ली शो में एंट्री। ऋषभ पंत के पोस्ट पर उर्वशी रौतेला ने दिया जवाब, बोली, छोटू भैया मैं कोई मुन्नी नहीं हूं जो बदनाम हो जाऊंगी। सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने पर सोनू सूद बोले, इस बार हम असफल रहे लेकिन अगली बार हम अच्छा करेंगे। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। Goodbye.